हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम और एक जेनेटिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट देखने जा रहे हैं। उसका नाम है जेनिक बैलेंस थ्योरी। और ये जेनिक बैलेंस थ्योरी सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए काम आता है डॉर्सोफिला में। और ये जेनिक बैलेंस थ्योरी जो है, यह किसने दिया था, ये कभी कभी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यह ब्रिज, जिसका नाम है केल्विन ब्रिज, 1926 में उसने यह जेनिक बैलेंस थ्योरी दिया था। जेनिक बैलेंस थ्योरी देखने से पहले हम थोड़ा सा एक चीज़ याद रखेंगे। हमारे जो ह्यूमंस हो या डॉर्सोफिला हो या बहुत सारे एनिमल्स है जिसमें एक्स और वाई क्रोमोसोम होते हैं, और हमें पता है कि एक्स एक्स क्रोमोसोम अगर है तो वहाँ फीमेल का उत्पत्ति होती है, अगर एक्स और वाई क्रोमोसोम है तो वहाँ पे मेल यानी कि नर की उत्पत्ति होती है। लेकिन केल्विन ने ऐसा देखा कि डॉर्सोफिला में एक्स और वाई सिस्टम काम नहीं करता है, तो वहाँ पे उसने जेनिक बैलेंस थ्योरी दे दिया। अब जेनिक बैलेंस क्या कहती है? जेनिक बैलेंस थ्योरी ये कहती है कि एक्स क्रोमोसोम और वाई सॉरी ऑटोसोम का रेशियो जो है, यह डिसाइड करेगा कि आने वाली अपत्ति मेल होगी कि फीमेल होगी। इसका मतलब है हमें फीमेल अगर चाहिए तो दो एक्स होने चाहिए और दो ऑटोसोमल क्रोमोसोम के सेट होने चाहिए। ऑटोसोमल सेट मतलब क्रोमोसोम विदाउट सेक्स क्रोमोसोम, मतलब जो क्रोमोसोम सेक्स को डिसाइड नहीं करते, जैसे एक्स और वाई हो गया। बाकी जो सेट है ऑटोसोमल के, जनरली दो होते हैं क्योंकि हर कोई डिप्लॉयड होता है। तो ये सेक्स रेशियो है, इसको हम बोलेंगे जेनिक बैलेंस। और ये जो है सेक्स डिटरमाइनिंग रेशियो है, जिसको हम सेक्स इंडेक्स बोलते हैं। इसका रेशियो है नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ हैप्लॉयड सेट ऑफ ऑटोसोम। तो अगर ये रेशो एक आ गया तो फीमेल होती है, अगर 0.5 आ गया तो ये मेल होता है। अब एक क्यों आएगा? क्योंकि ऊपर दो एक्स क्रोमोसोम है डिवाइडेड बाय दो ऑटोसोमल सेट है, तो 2/2 ये आएगा एक। और 0.5 कैसे आएगा? ऊपर एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है मेल में क्योंकि वो दूसरा वाई होता है, डिवाइडेड बाय दो ऑटोसोमल है, तो 1/2 ये 0.5। इसका मतलब है कि मेल आएगा तब। और एक और 0.5 के बीच में अगर कुछ वैल्यू है तो उसको हम बोलते हैं इंटरसेक्स। अभी यहाँ पे थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। सेक्स इंडेक्स रेशियो 2/2, 1 फीमेल आएगी, 1/2, 0.5 मेल हो जाएगा। और 2/3 समझ लीजिए कि इसका ऑटोसोमल सेट्स 3 है, मतलब ट्रिप्लॉयड है और 2 एक्स क्रोमोसोम है, तो ये इंटरसेक्स आएगा। ओके, और 1/1 एक ही एक्स है, एक ही ऑटोसोमल है, तो ये फीमेल ही होगा। और जब सेक्स इंडेक्स एक से ज़्यादा आता है, इसका मतलब है 1.5 आ सकता है, 1.25 आ सकता है, इसमें क्या होता है कि ऑटोसोमल सेट्स कम होते हैं और एक्स क्रोमोसोम ज़्यादा होते हैं। आप यहाँ देखोगे 5 नंबर पे, तो यहाँ पे 3 एक्स क्रोमोसोम है और 2 ऑटोसोमल सेट है, तो ये 1.5 सेक्स इंडेक्स आ रहा है और इसको हम बोलते हैं मेटा फीमेल, या उसको हम सुपर फीमेल भी बोल सकते हैं। और लास्ट 6th पे जो है, यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक्स वाई है, यानी कि एक ही एक्स क्रोमोसोम है और 3 ऑटोसोमल सेट है, तो ये आ रहा है लेस देन 0.5, इसको हम बोलेंगे सुपर मेल या मेटा मेल। तो ये है जेनिक बैलेंस थ्योरी, जो सेक्स इंडेक्स से बेसिस पे मेल और फीमेल कैसे डिसाइड होता है, ये केल्विन ब्रिज ने बताया था। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। और ये आपके दोस्तों को भी शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि यह बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जेनेटिक्स में आता है। बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे रेशियोज के ऊपर पूछे जाते हैं, 1 है तो क्या, 0.5 है तो क्या, बिटवीन है तो क्या, इस तरह से।